बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है, किसी भी ट्रेड में आपने बीटेक या डिप्लोमा किया है, या आपके पास कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री है या डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक आपने किया है किसी भी ट्रेड में, तो आपके लिए 261 वैकेंसियां निकली हैं। 261 वैकेंसियां निकली हैं, रिलायंस जियो ने निकाली है, ठीक है। और मैं सारी दिखा रहा हूँ कि हर प्रदेश में वैकेंसी निकली है, जिस प्रदेश के आप रहने वाले, हो सकता है वहां भी वैकेंसी हो, ठीक है। तो किस जिले में और किस शहर के हिसाब से वैकेंसी की, पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो स्किप मत करिएगा, चैनल पे आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देख लीजिए ये 261 जॉब कहाँ कहाँ निकली है भारत में, ये देख लीजिए। आपकी जो है मुंबई में निकाली है इन्होंने, जबलपुर में निकाली है, मुंबई में भी, मुंबई में है, और आपकी त्रिवल्ला है कुछ, कोई जगह बेलगांव कर्नाटका में भी निकली है, केरल में भी है, और आप पूरा देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, एक एक जाओ आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा वो इस जॉब का क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लीजिए, इसमें मेंटेनेंस मैनेजर की है, मुरादाबाद के लिए निकली है, यानी यूपी के लिए निकली है। अब मेंटेनेंस मैनेजर मैं आपको दिखा दूँ क्या मांग रहे हैं ये, कितना एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, फ्रेशर मांग रहे हैं कि एक्सपीरियंस वाला पर्सन मांग रहे हैं, ये भी देख लीजिए आप। जियो कैरियर में हर महीने जॉब निकलती है, मैंने कई वीडियो इस पे बनाए हैं, ठीक है। अब ये मई और जून से ये देख लीजिएगा आप, 13 मई को निकाली है इन्होंने, अभी 2 दिन पहले निकाली है, 13 मई को जॉब निकाली है सीएमपी मुरादाबाद के लिए, ठीक है। अब इसमें इन्होंने हाई एक्सपीरियंस मांगा है 10 से 15 साल। अगर आपको 10 साल का टेलीकॉम का एक्सपीरियंस है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन में बीटेक मांगा है, ठीक है। उसी तरह मैं आपको और वैकेंसी दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि सब में 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, किसी में कम साल का भी है, फ्रेशर भी मांगे इन्होंने। अब ये देख लीजिए, इंजीनियर टावर मांगा है इन्होंने, इंजीनियर टावर में देख लीजिए क्या मांग रहे हैं ये, इंजीनियर टावर में देख लीजिए, 13 मई को इन्होंने निकाली है। और बी डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इसमें अगर आप फ्रेशर भी हैं और आपको टेलीकॉम की हल्की भी नॉलेज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देख लीजिए स्किल्स क्या मांग रहे हैं, टेक्निकल नॉलेज, सुपरवाइजरी स्किल, रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल, ओनरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम मैनेजमेंट स्किल। अप्लाई कैसे किया जाता है ये सब इसमें है, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप मेरे 3-4 महीने पहले के वीडियो जाके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको फिर से कुछ बता दिया जाए, फिर से एक वीडियो बना दे, तो मैं सब बना देती हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जियो कैरियर जो है टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की, ये लोग आप जानते ही हैं। तो आपने बीटेक डिप्लोमा किया है तो इससे करियर की शुरुआत कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए, बेस्ट फ्यूचर के लिए, इससे बढ़िया जॉब कहीं भी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। इसलिए मैं जियो करियर के ही लिए बताता हूँ प्राइवेट सेक्टर में, अन्यथा मैं सरकारी जॉब के लिए ही बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको और दिखा दूँ एक दो जॉब, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अब देख लीजिए, इंजीनियर सर्विलांस मांगा है इन्होंने, इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस मांगा है, इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस में देख लीजिए क्या मांग रहे हैं ये, इंजीनियर क्वालिटी इंश्योरेंस, ये 15 मई को निकाली है, यानी कि कल ही निकाली है ये जॉब 15 मई को। इसमें इन्होंने 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। और बी या डिप्लोमा आपने सिविल में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया, मैकेनिकल में किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स देख लीजिएगा इसकी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। जियो कैरियर, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है, तो मोबाइल से भी आप लोग जियो कैरियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कई वीडियो इस पर बनाए, ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। बहुत बेस्ट जॉब निकली है मई और जून के महीने के लिए जियो कैरियर में। तो चैनल पर आप पहली बार हैं और आपको लगता है इस तरह रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको अलर्ट मिलते रहे, जॉब कैरियर से रिगार्डिंग आपको ये खबरें मिलती रहे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।